कोलारस और मुंगावली में कांग्रेस की सीट पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उपचुनाव में जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने जान फूंक दी है, तो वहीं भुआ भतीजे के बीच जोरदार बयानों के तीर चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवराज की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दरअसल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कोलारस में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में कांग्रेस के पंजे पर बयानों के तीर चलाए और इतना तक कह दिया कि पंजे को वोट दिया तो किसी भी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। कह नहीं सकते कि हम पानी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, हमारा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऐसी योजनाएं हैं। चूल्हे की योजना क्यों नहीं आई आपके पास? भारतीय जनता पार्टी कमल की योजना है, आप पंजे में वोट दोगे आपके पास आएगी नहीं, आप कमल को दोगे आपके पास आएगी। सीधी बात है, आप अगर पंजे को वोट दोगे तो हम पंजे को क्यों देंगे हमारे मकान? हम पंजे को क्यों देंगे उसके हाथों से आपको चूल्हा नहीं देंगे? आपको अपनी समझदारी से ऐसी सरकार के लिए वोट करना है जिसकी हर चीज आपके घरों में आ जाए। अब एक हमारे भाई साहब अभी आए। वहीं दूसरी ओर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया माफी भी मांगती हुई नजर आई। एक सभा में मंत्री सिंधिया ने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी से जो गलतियां हुई थी उसके लिए वे माफी मांगती हैं। कि हम लोग सब जुड़े और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रतिनिधि को जिताएं ताकि वो प्रतिनिधि अपना काम करे। और मैं आपको ये और बताऊं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, पूरी भाजपा की कार्यकर्ता सब जुट के देवेंद्र जैन के सपोर्ट में आ गए। अब थोड़ी बहुत जो गलती हुई पिछले बार, थोड़ी बहुत तो गलती हो गई हो पिछले बार जब इलेक्शन था जिसमें आपने उनको हराया, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ आपसे। पर अब हमारा ये युद्ध है और ये युद्ध को हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को कोलारस में लाएंगे, ये आप संकल्प। श्रीमंत राजे जिंदाबाद। मुंगावली कोलारस में जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं उसके बाद यह बात तो साफ हो गई है कि भुआ भतीजे की पॉलिटिक्स यहाँ चरम पर है और बीजेपी और कांग्रेस की साख भी उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।